Smoking and drinking is injurious to health. रेडी डॉक्टर, स्टार्ट करें। मेरा नाम है आनंद कुमार, उम्र 28 साल, मैं एक चिल्ड्रंस फिल्म मेकर हूँ। मुझे फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं और उससे भी ज़्यादा मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है। बचपन में मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, 10वीं क्लास तक, उसके बाद डिग्री लेने तक, शायद मास्टर्स की डिग्री तक भी। उनमें से शायद 2-3 ही रियल फ्रेंड्स होंगे, बाकी सब ऐसे ही साथ में घूमते थे, बस इतना ही, जिन्हें हम स्टूपिड बोलते हैं ना, बस वैसे ही। उसके बाद मेरे जितने भी दोस्त थे सब इधर उधर। आई थिंक आई एम नॉट अ ग्रेट एक्सट्रोवर्ट, देखा जाए तो इंट्रोवर्ट कहना भी ठीक नहीं, लेकिन उस दौरान शेयर करने के लिए एक दो लोग साथ में होते थे। लेकिन आज वो सब शेयर करने के लिए मेरे साथ कोई भी नहीं है। ओ सॉरी, मैंने जिस बात से शुरुआत की मैं उससे डाइवर्ट हो गया। दैट फर्स्ट किस, पहला चुम्मा, ऑफ कोर्स वो मेरे लिए नहीं था। तो किसके लिए था? उस लड़की के लिए था, श्रीलक्ष्मी के लिए। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। नहीं नहीं, बहुत चिढ़ हो रही है। क्यों, क्या हुआ? हमेशा की तरह, हालांकि रोज देखता हूँ लेकिन दोबारा देख लिया इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूँ। वो कैसे? एज यूजुअल जॉगिंग कर रहा था, एक कार खड़ी हुई थी, तभी एक लड़की ने कार का शीशा नीचे करके 100 रुपए निकाल कर एक लड़के को देकर कहा दुकान से सब्जी ला दे। उसकी वजह से तुम क्यों डिस्टर्ब हुए? और उस लड़के ने सब्जी लाकर दे दी, क्योंकि 5 सेकंड में उस लड़के को एक नौकर बना दिया। कितनी घमंडी होगी हैं? पैसा पास में हो तो उससे सबको अपना नौकर बना लोगे? उस बच्चे को पैसों की जरूरत थी इसलिए उसने लाके दिया। ये सब तो छोड़ो, 1 रुपए का सिक्का नीचे गिर गया, उसके लिए उस बच्चे को गाली दी। महंगाई बहुत बढ़ गई है ना। तो क्या हुआ, इंसानियत नाम की एक चीज भी होती है। आज हमारे समाज में इंसानियत खत्म होती जा रही है। आज जब ये सब मैं सोचता हूँ तो मुझे इस समाज से अजीब सी नफरत सी होने लगती है और ऐसे इंसानों के ऊपर मेरा गुस्सा और भी बढ़ने लगता है। शांत हो जाओ, एक छोटी सी बात के लिए इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए सुभाष। आनंद, एक छोटी सी बात के लिए इतना सोचना नहीं चाहिए आनंद। उस लड़की के पास पैसे थे, उस लड़के को उसकी जरूरत थी, बस इतना ही। इसको एक कारण बनाकर इसे समाज के साथ या अपने साथ लिंक नहीं करना चाहिए। आइटम सॉन्ग में कोई साहित्य ढूंढता है क्या? अगर मान लो वैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई तो तुम क्या करोगे? पहली बात ये कि ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए, दूसरा मुझे प्यार, शादी, बच्चे, इन पर तुम्हें यकीन नहीं है, पर लड़कियां अच्छी लगती है ना। जो काम वासना या मोक्ष के बारे में नहीं जानता आप जैसे ही किसी ने। हाँ, समझ गया समझ गया। इंसान को जन्म दिया औरत ने, घर को भी घर बनाया औरत ने, घर को भी घर बनाया औरत ने, घर को भी घर बनाया औरत ने, राजा हो या रंक हो सबको ही संभाला औरत ने, जीवन में ज्योति जलाई औरत ने। सिग्नल पर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उनके ऊपर तू ये सामान क्यों रख देता है? अगर मैं नहीं बेचूंगा तो मेरा मालिक मुझे मारेगा। ठीक है, तू रेडी हो जा, मैं अब निकलती हूँ।
तेरा सेठ कौन है? उसका नाम बता, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं रहने दो भैया। ये ले, एक मिनट रुक। क्या हो भैया? आज तो पूरी शॉपिंग करा दोगे ना? ये ले जा। आनंद, तू क्यों अपनी लाइफ ऐसी बेकार कर रहा है? अरे नहीं यार, अंदर हीरो डबिंग कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अरे वही अपना टाइगर। ठीक है, तो तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो बाहर आएगा तो एक सेल्फी। तो नहीं सुधरेगा। डू इट राइट नाउ। अरे बस कर यार। स्पेलिंग बताओगे या मैं बताऊँ? कम ऑन। अरे तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, लड़के वेट करते हैं। तुम्हारी याद आती रहती है विद्या, आई लव यू, ऐसे प्रपोज करते हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं नेशनल अवार्ड विनर, यू नो, चिल्ड्रन ऑफ सक्सेस के डायरेक्टर मिस्टर आनंद कुमार। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो स्टेज पर आए प्लीज सर। थोड़ा सा पास में आ जाइए। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपका एक फोटो लेना चाहती हूँ। श्योर। Thank you. Excuse me. Thank you so much, sir. Okay, shall we go? Hi, sir. कोई फीडबैक वगैरह? फीडबैक कहूँ तो नाइस अटेम्प्ट। बस इतना ही? यानी तुम्हें अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है। YouTube पर लव स्टोरीज, शॉर्ट फिल्म्स, वो क्या कहते हैं? अरे वही लव रसगुल्ला, लव गार्डन, लव का अंतिम संस्कार और लव का। Please don't mind him. But seriously. I think you could have done much better. Mass communication के student हो ना? अच्छा तुम्हें क्या पसंद नहीं आया? Love scene या comedy वाला scene? कौन सा? वही making, overall film making. मेरी workshop में आ जाना, हम detail में बात करेंगे. Bye. लक्ष्मी खाना लग गया, आ जा। अभी आती हूँ पिताजी। जल्दी आ बेटी, बहुत भूख लगी है, आ जा। कहा ना मैं आती हूँ। ले एक और मेरे हाथ से खा ले। हाँ वेरी गुड। एक्सक्यूज मी। हाय सर। हाय। चिल्ड्रन ऑफ सनसेट फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। आपने देखी? हाँ देखी मैंने। नाइस। कहाँ पे देखी? देवी पैराडाइज में देखी। अच्छा थिएटर है और वहाँ की साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा? सुहासिनी का मदर कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। और जगपति बाबू? उन्होंने में बहुत अच्छा काम किया। फिल्म नहीं देखी तो नहीं देखी बोलना चाहिए। मैं क्या घनचक्कर दिखाई देता हूँ? सर सर सॉरी सर सर, दरअसल मुझे कहीं नहीं मिली। YouTube टॉरेंट्स हर जगह देख लिया। पायरेसी में देखा ना? हाँ साइबर पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दे दूं? कहां पर देखा और साथ में किस किस ने देखा? ए आई एम सॉरी, वाज जस्ट जोकिंग। इंटरनेट में बहुत ढूंढने पर नहीं मिली। गाड़ी में स्क्रीनिंग डीवीडी है, वो देता हूँ, लेकिन कॉपी करके इंटरनेट में मत डालना, ओके? तुम्हारे पास 100 रुपए हैं? हे मैं अपना पर्स तेरे घर पे बुलाया। घर पे नहीं, बेडरूम में। आज क्या हो रहा है? आइटम सॉन्ग। मैंने सॉन्ग के बारे में नहीं पूछा, साड़ी के ऐड के लिए आइटम सॉन्ग की क्या जरूरत है ये पूछ रहा हूँ। वो इसलिए कि साड़ी पहन के इस रैंप पे जो चलना है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा स्टेटस क्या रहा? स्टेटस जानना है? बीबीसी का फिल्म का जो पुराना प्रोजेक्ट है उसका रफ कट हो गया है, देखना है। कम ऑन आनंद, अभी तक रफ कट ही है। हे मुझे सिर्फ इस पर ही नहीं, छोटे बच्चों का जो प्रोजेक्ट है उस पर भी टाइम स्पेंड करना है। एंड डोंट वरी, मैं ये फिनिश करता हूँ, वो भी डेडलाइन से पहले ही। आनंद, बच्चों का प्रोजेक्ट तुम्हारा पर्सनल प्रोजेक्ट है, मेरी बात मानो, बढ़िया सी मसाला फिल्म बनाओ। ओह थैंक यू। अगर तुम ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाते रहोगे तो ये कंपनी डूब जाएगी। क्या मसाला फिल्म तुमने प्रोड्यूस की थी ना, वो 2012 गंदगी का सम्मेलन, और हाँ वो चुड़ैल वाला बंगला 2005, उसी तरह की ना? अरे उसकी डबिंग मैंने ही की थी, क्योंकि उससे डबिंग आर्टिस्ट के 15,000 मैंने बचा लिए थे।
दरअसल मेरे हिसाब से अगर हम ऐसे चिल्ड्रन प्रोजेक्ट बनाएंगे तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे ब्रा। ब्लॉकबस्टर सिनेमा स्टैटिस्टिक्स इस फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से 4 साल की मेहनत में 2000 करोड़ ब्रा। ए क्या बोल रहा है? बाबा, मामा, साला, ब्रदर, ये ब्रो भी ठीक है, लेकिन तू ये ब्रा क्या कह रहा है? इजी ब्रा, इजी। हमने भी 3 साल तकलीफ उठाई ना चिल्ड्रन सनसेट बनाने में। ओके फाइन, डोंट वरी। क्या मिस्टर नंबर्स, अब नेक्स्ट क्या करें? बट यू नो, जस्ट लेट मी डू दिस वन थिंग, उसके बाद तुम्हारी ये कमर्शियल फिल्म बना सकते हैं। मगर मैंने अपने चिल्ड्रंस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग ट्राई करने के लिए कहा था, तुम में से किसी ने भी ट्राई नहीं किया। ब्रा, तुम्हारे बच्चों के प्रोजेक्ट में फंडिंग करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, इंक्लूडिंग NRI। सब रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। इट्स वेरी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन ब्रा, दिस इज नॉट लुकिंग गुड। वी सीरियसली नीड सम मनी ब्रा। हाँ आनंद, this is a great visual, it's a great inspiration, I know, it's a great character, I know. Is tarah ka koi aisa character ho jisse aapko prerna milti ho to bataiye. Mahatma Gandhi sir. Okay. Mother Teresa sir. Good. Yeah, hamara Sultan Salman sir. Ooh. Hmm? Yeah, Hasini kaun hai jisne Akshay Kumar ke sath film ki thi? ओके हाँ, तो हासिनी उसमें बहुत चंचल थी, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था, प्यार किसी और से और शादी अक्षय कुमार से, बस इतना ही। सी, किसी के लिए गांधी, तुम्हारे लिए हासिनी, इसी तरह से तुम्हें इंस्पायर करने वाला कोई और कैरेक्टर हो तो बताओ। है ना, DDLJ। DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया। अरे बाप रे, ये तो फिर से शुरू हो गई। अब लक्ष्मी कहाँ जा रही है? मैं लाइब्रेरी में अपनी बुक भूल गई हूँ। लेकिन क्लास है। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। क्यों बेटी, आज तेरी क्लास कैसी रही? ओके रही पिताजी। डिग्री तो पूरी हो गई ना, अब और पढ़ाई किस लिए? शादी की बात करो ना। तुम्हें दोबारा कर लो ना। क्या कहा, क्या कहा तूने? हाँ, हंसी है। एक न एक दिन हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। ये क्या चिल्ड्रन ऑफ सनसेट, ये क्या इंग्लिश मूवी है? नहीं नहीं, हिंदी मूवी ही है, उसने नाम इंग्लिश में रखा है। उसने रखा? तेरा बॉयफ्रेंड है? चाहिए चाहिए, हमें 3 वक्त का खाना चाहिए। तू ये पैसे ले जाके वहाँ रखेगा, तुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे जाके बहुत कुछ करेगा। हमारा यहाँ रहना एकदम बेकार है। तेरा जो भी कर्जा है मैं लौटा दूंगा। तीन चम्मच गेहूं के आटे के साथ 2 चम्मच बेसन मिलाने के बाद, इसके अंदर 1/2 चम्मच दूध का पाउडर मिलाने के बाद, बच्चों के लिए पौष्टिक आहार आप घर में ही बना सकते हैं। इसी तरह से इसे अच्छी तरह से पैक कर लें, बाद में दूध में या पानी में मिला के कभी भी दे सकते हैं। Shall we go to some nice place? मैं तुमसे एक बात कहूं? नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, क्यों ना कहीं और चले, सम क्वाइट प्लेस। ओके आनंद, कहाँ पे आनंद? सम नाइस प्लेस। अब तो बताओगी? मैंने तुम्हारी फिल्म देखी। ओके बस यही बात है? नहीं नहीं, इतने दिनों तक आई डिडंट नो व्हाट यू वर, अ फिल्म विद अ हार्ट, हाउ डिड यू डू इट? वो मूवी मेरे घर पे सबको पसंद आई, बहुत अच्छी फिल्म है। थैंक यू, फाइनली देख लिया। I'm sorry, क्लास में पता नहीं मैंने क्या क्या कह दिया, हासिनी, अक्षय कुमार और क्या क्या। ऐसे पूछोगी तभी तो सीख पाओगी ना, that's how you learn new things. No. मैंने भी सब कुछ ऐसे ही सीखा है। I really liked it, it's really a nice film. Did you just kiss me?
कहाँ जा रही है? अभी आ रही हूँ। कृष्ण ने राधा को वृंदावन में पूरे 24 बार चुंबन दिए और रोमियो जूलियट ने पहली बार में ही 24 घंटे में 24 बार चुंबन लिए दिए। ग्रीनलैंड में प्यार के जोड़े ने गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी के सामने पूरे 24 बार चुंबन दिए ताकि दुनिया उनके प्यार के बारे में जाने। इसलिए 24 किसेस के अंदर डिवाइन सिग्निफिकेंस है। सिर्फ इतना ही नहीं, 24 इज अ नंबर, 24 टाइम्स 24 किसेस। रियली? यहाँ ये सब क्या हो रहा है? 24 मैडम, 24 24 यानी क्या? जैसे उस किताब में दिया गया है, 24 बार किस करेंगे तो कपल बन जाएंगे मैडम। किस ऑफ लव इट्स जस्ट अ फिक्शनल नॉवेल। रामायण और महाभारत भी तो फिक्शन है ना मैडम। राम के और कृष्ण के हिस्टोरिकल एविडेंस हैं। ग्रीनलैंड में ओकना गॉडेस के सामने किस करने का एविडेंस है ना मैडम। तुम्हारे साथ बहस करके भला कौन जीत सकता है? ये सोचता है इससे बड़ा विद्वान कोई है ही नहीं। जानो वृंदावन मैं तेरी ही रेणुका हूँ, ये है सम्मोहनम मैं तेरी ही प्रेमिका हूँ, हे मन का तू मीत है सच्ची प्रीत है
वो लड़की तुम्हें चाहती है, लगता है तुम बहुत फॉरवर्ड निकल गए हो। उसे क्लास में देखा और उसे मैं पसंद हूँ मैंने जान लिया। दिन में सपना देख लिया क्या? आई लाइक हर एंड शी लाइक्स मी सो ओके। एक्चुअली ये बिल्ली, चीता, शेर, अब जैसे कि ये बिल्ली है ना, ये शिकार कैसे करती है पता है? और लोमड़ी, ये कुत्ते कैसे शिकार करते हैं पता है? ये शिकार करने से पहले सूंघते क्यों है पता है? क्योंकि जो ये स्मेल होती है ये बहुत ही पावरफुल होती है, अट्रैक्टिव, और इससे अर्थ ये निकलता है यू आर पावरफुली फिजिकली एंड मोर देन अट्रैक्टिव फॉर दिस गर्ल। वो लड़की समझ गई होगी, उसने इंटरनेट पे देख भी लिया होगा। हो सकता है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद तुम एक नई लड़की से मिल रहे हो। उस लड़की में क्या तुम्हें अपना फ्यूचर दिखता है? नो नो, आई मीन आई एम नॉट श्योर नाउ, है या नहीं बाद में देख लेंगे, लेकिन उस लड़की में भी कोई तो बात है, नहीं तो वो इतना आगे नहीं बढ़ती। फर्स्ट टाइम एक लड़की के लिए स्पेशल फीलिंग आ रही है, ये अच्छा शाइन है। अच्छा, अपनी जिंदगी में किसी लड़की को तुमने पहला किस कब किया? पहला किस शायद जब मैं 12वीं कक्षा में था, मेरी एक क्लासमेट थी ज्योति, ट्यूशन के टाइम पे बिजली चली गई एंड आई जस्ट किस्ड हर। व्हाट अ कोइंसिडेंट, मैंने भी 12वीं में ही किया। हाँ। बस फर्क इतना कि टीचर को किस किया। वो ट्यूशन का मेरा आखिरी दिन था। हाई फाइव। वन मोर टाइम, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। मेरा नाम है आनंद कुमार, मैं एक चिल्ड्रंस फिल्म मेकर हूं। मेरी उम्र 28 साल है, मुझे फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी जिंदगी अच्छी लगती है, जनरली लाइफ अच्छी लगती है। ओ, बॉस से मिलने आई हो? वाओ, व्हाट अ सरप्राइज, प्लेजेंट सरप्राइज। ओके ओके, बाय बाय। ये क्या अचानक से इस तरफ? वहा तुम्हारा वर्कशॉप तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे मन में कुछ डाउट्स थे। ओके, उसके अलावा? एक्चुअली उस दिन तुमने कहा था ना कि मेरी शॉर्ट फिल्म अच्छी नहीं है, उसी के बारे में कुछ जानने के लिए आई हूँ। और उसके अलावा? तुम ही कुछ कहो। हे, यू गो। हाँ, यू कैन। यू गो। Kiss on the neck means your partner wants to move off you. He wants more passion and him a bit of you. And him a bit is equal to bina sharmaye hue. ये तो ठीक है, लेकिन ये आनंद, ये वाला उसी फोल्डर में रख दे। हाय, कम। जुड़ेल कहीं की, तू मुझे इसके लिए लेके आई है? प्लीज यार। हाय, कुछ ऑर्डर करोगी? कोई और वर्कशॉप भी करते हो क्या? उस दिन तुम्हारे कॉलेज में वर्कशॉप पूरी हो गई ना, अगर फिर से शुरू करनी हो तो। सीरियसली, फिल्म मेकिंग के बारे में ये बताओ, अनहिमबिटेड को हिंदी में तुम्हारी एज क्या है? पद्मावती जी, माय एज इज 28। आई एम 26। तुम्हारी शादी हो गई है? बस अभी तक यही काम नहीं हुआ। क्यों, तुम्हारा कोई इरादा है? पद्मावती जी, स्वर्ग के पास ही जो नर्क होता है उसी का नाम होता है शादी। क्यों, मेरी बात समझ में आई? ये पंच है। क्या बात है यार, तू भी बढ़िया पंच मारने लगा है। इसने ऐसा क्या कहा? इसने जो कहा वो इसका पंच डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग ऑलरेडी फिल्म में आ चुका है। इसने जरा सा मसाला लगाया है, लास्ट में थोड़ा सा ऐड कर दिया यार। तू उस पे ध्यान मत देना यार, ऐसे डायलॉग बहुत सारे हैं। 1 मिनट। ए, तू क्या पागल है, उसकी उम्र 28 साल है। ए, 24। हे मेरे भगवान, जैक्सन के बात को भूल गई क्या? लिफ्ट चाहिए? हाँ, मुझे लिफ्ट चाहिए। और पद्मावती जी, आपको? मेरे पास मेरी स्कूटी है। ए, खड़ी क्यों है, चलना प्लीज बद्दू। ठीक है, कल लिफ्ट मांगेगी ना तब बताऊंगी। थैंक यू।
कहीं मोच ना आ जाए देख के। श्री, वो मल्टी डायमेंशंस क्या यही है? हे बुक, मैं नीचे वेट कर रही हूँ। पुश्ड मी अगेंस्ट द वॉल। ये रॉबर्ट मैकी कौन है? रॉबर्ट मैकी यानी फादर ऑफ स्टोरी मान सकते हैं। फादर, तुम अपने घर कितने दिनों में जाते हो? फोन पे बात करते हो? मुझे गए 5 महीने हो गए और माँ टीवी सीरियल की दीवानी है। दीदी रोजाना मेकअप वगैरह लगा के बाहर दीवार के पास आकर खड़ी हो जाती है और दादा मंदिर की दीवार के पीछे अपनी चिलम फूंकते रहते हैं। फूंकते रहते हैं? दीवार का जरूर तुम्हारे परिवार से कोई ना कोई संबंध है। सही कहा, ये बात तो आज तक मैंने भी नोटिस नहीं की। अच्छा, तो शायद इसीलिए तुमने भी दीवार का सहारा लेकर ही उसे किस किया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो एक प्रेशर था। दीवार से टिका कर जब पकड़ा तो एक दबाव सा। यू कैन फील मोर ऑफ अ बॉडी, मोर टाइम, मोर इंटीमेट, यू नो, दैट्स एक्चुअली माय फेवरेट किस। ओके ओके, लेट्स गेट बैक टू योर फैमिली। मेरी दीदी बहुत अच्छी हैं,
वो चाहे तो बहुत अच्छी ब्यूटिशियन बन सकती हैं। परिवार में कुछ पाबंदियां हैं, इसीलिए ऐसे ही जीना पड़ रहा है। तो अपनी फैमिली से कुछ नहीं बोलोगे? इसमें बोलना क्या है? फैमिली को अगर कुछ बताना नहीं चाहते तो अपने पार्टनर से कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए। पार्टनर चाहिए और वो तुम पर यकीन भी करे तो तुम्हें उससे कुछ बातें बिना छुपाए बोल देनी चाहिए, और ये रिस्क रिलेशनशिप में उठाना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। बता के बेकार में क्यों फंसना? इसका मतलब पहले भी ऐसा कुछ हुआ है? वो लड़की कौन थी? तुम खंडाला कभी गई हो? इट्स अ परफेक्ट प्लेस फॉर वेकेशन। वहाँ थोड़ी बहुत ठंडी लगती है, बट इट्स नाइस। वाइन इज द सुपर्ब कॉम्बिनेशन फॉर द वेदर। यहाँ से हम लोग 3 घंटे में वहाँ पहुँच सकते हैं। सारा सामान रख लिया ना? तुम चाहे कुछ भी भूल जाओ, लेकिन वाइन रखना मत भूलना। कितनी बॉटल्स है? अच्छा ये बताओ, इतनी बातें मना रहे हो, तुम कितनी बार वहाँ गए हो? कई बार गया हूँ। हाँ, और लड़कियाँ? हाँ। कौन कौन? फ्रेंड्स, कलीग्स, यू नो। बस इतना ही? या आई थिंक मे बी वंस। हे, ये क्या कर रही है? इट जस्ट सो हैपेंड एंड वो आई डिडंट प्लान इट। शी वाज जस्ट अ गुड फ्रेंड, इतना ही। अगर वो तुम्हारी गुड फ्रेंड है तो फिर मैं कौन हूं? गुड फ्रेंड? अब उस बारे में सोचने पर तुम्हें क्या लगता है? मैंने सच्ची तो बोला, उसे ही समझ में नहीं आया। और तब से कुछ बातें अपने दिल में लॉक करके रख देते हो। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली मैंने उसे सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझसे एकदम अलग चली गई। और तभी से मैंने कसम खा ली कि एक लड़की की बात दूसरी लड़की से नहीं बताऊंगा। बस इतना ही, मैंने किसी को धोखा देना नहीं चाहा। यानी तुम्हारे हिसाब से तुमने गलती नहीं की? अच्छा तो इस लड़की से क्यों नहीं बताया? हर लड़की एक जैसी नहीं होती है ना। मेरे बताने पर अगर उसने भी मेरी बात को नहीं समझा तो इसलिए बेकार में क्यों? बट एट सम पॉइंट उसे बताने का कुछ सोच रहे हो? अगर कहीं उसे बता दिया तो वो लड़की तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, ऐसा तुम्हें डर लगता है? हाय, गोवा मीडिया कंटेंट बाजार के लिए मैं गोवा जा रहा हूँ। Would you like to join? मैं? लेकिन घर में क्या बताऊँ? Film making, actually. Good company and good moments. Oh really? घर वालों ने कुछ नहीं कहा? कुछ भी नहीं कहा, बता दी तभी तो कुछ कहते। तो तुम बता के नहीं आई? I think you should call your dad. I think I should. Hello. हेलो पिताजी, मैं फ्रेंड्स के साथ मिलके गोवा जा रही हूँ। लेकिन आप क्यों बता रही है? मैं आपसे बिना बताए आ गई ना, इसलिए दिल नहीं मान रहा था। टेक केयर। थैंक यू डैड। टेंशन ऑफ ब्रांडी, उसका हर एक पैग टेस्टी। hey, ज्यादा मत बोल। हेलो टिकट। बढ़िया है क्या? जर्नी जर्नी। थैंक यू। जागो जागो जागो, दिन खुल गया। जागो जागो कि आज दिल भी है नया। छोड़ो छोड़ो पुरानी राहें, जुड़े शहर, नई जमीन पे नया जहां हो घर नया। बातें पुरानी छोड़े, नई कहानी जोड़े, बाहों में आए। कोई गुस्ताखी खोरे, उन्हें बदमाशी खोरे, कक करे मस्तियां। आ जा रहा
in our country are malnutrition. You know how much is 2.3 crores? I'm talking about just basic food a child needs per day, one egg a day. It's just about, you know, getting the child to eat one proper meal a day. Anything to do with funding, please, please come forward. I hope you understand the cause. Thank you so much. So you raise our part of the children's NGO. There's no better way to get your cause across than this. So what happens in crowdfunding is that you go to a crowd where you don't know people through a platform where you reach out to them and ask for money. How do you do that? You have to create an impression in the minds of people that you are the guy who can come and decide. मैं बिना बताए यहाँ तक कैसे आ गई? मेरी ये बात खुद की समझ में नहीं आ रही है। ओके, स्टोरी यानी अब जैसे तुम अपने पिताजी से बोल के आती, पिताजी आशीर्वाद देते, उसमें कोई ड्रामा नजर नहीं आएगा। स्टोरी में ड्रामा होना चाहिए। क्लास ले रहे हो? तुमने तो मुझसे पूछा फिल्म मेकिंग के बारे में। ये पियोगी? अभी तक तो कभी पी नहीं है, बस ऐसे एक बार फ्रेंड्स ने मुझे फोर्स किया था, इसीलिए बियर ट्राई की थी। चीयर्स। तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। तुम्हारे सिवाय किसी और को शायद पसंद नहीं आया। तुम्हें बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं क्या? क्राउड फंडिंग की कोशिश कर सकते हैं ना? अभी अभी अटेंड किया ना, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था। या सो तुम क्यों नहीं ट्राई कर सकते? I don't know. See, बच्चों की प्रॉब्लम्स के लिए फंडिंग मिलेगी मुझे नहीं लगता। नो, आई विल सपोर्ट यू। मेरे जान पहचान के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन में बस क्रिएट कर सकते हैं। तुम्हारा प्रेजेंटेशन देख के डेफिनेटली वो इम्प्रेस हो जाएंगे। पीपल विल कम फॉरवर्ड टू फंड योर प्रोजेक्ट। मेरी शबनम परवाना तेरा ये जो
आई थिंक आई एम इन लव, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है। पद्मावती और दूसरे लोगों ने सिनेमा वालों से केयरफुल रहने के लिए बोला था। ऐसा करते हम चलते हैं, इस बारे में आराम से हम ट्रेन में बात करेंगे, ओके? अच्छा, किसी और के साथ भी इस तरह से पहले कभी? अगर ऐसा हुआ मैं बुरा आदमी हूँ ऐसा मुझ पर ठप्पा लगाओगी? No, मुझे करेक्ट और स्ट्रेट जवाब दे दो। मुझे तुम बहुत पसंद हो। अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूंगा, वरना बट आई लाइक यू। फिजिकली बात नहीं कर रहा हूं, आई रियली रियली लाइक यू। ये बात है तो तुम मुझे तुम मेरे बारे में क्या जानती हो?
इस उम्र में जिस अट्रैक्शन को तुम फील कर रही हो उसे लव समझ रही हो। मेरी बात सुनो श्री, आई लाइक दिस। इस समय हम दोनों की जो फीलिंग है वो बहुत ही अच्छी है। वी बोथ लाइक ईच अदर। मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुम्हें? अगर पसंद नहीं होते तो मैं गोवा क्यों आती? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? 12 है ना? हाँ? ये क्या बोल रहे हो? 11 और 12 सीट नंबर है ना टिकट। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात पूछूं। उस लड़की से तुम झूठ बोल रहे हो, इमोशनली उसे धोखा दे रहे हो, ऐसी फीलिंग तुम में नहीं आ रही है? व्हाट? नो, मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं। श्रीलक्ष्मी बहुत अच्छी लड़की है, इनोसेंट एंड रोमांटिक। दैट्स व्हाई आई लाइक हर। एंड ये हम दोनों की रजामंदी से ही हुआ। अब किसी को भी कोई एतराज नहीं। तो उस लड़की से सच बताने पर उसे पसंद आया तो तुम्हारे साथ रहेगी, नहीं तो छोड़ के चली जाएगी। लेकिन छुपाना किसी को धोखा देने के समान है ना। सही टाइम पे मैं खुद बता दूंगा। वो सिर्फ एक दोस्त बनकर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरी लवर या गर्लफ्रेंड बनकर रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। सब आम लोगों जैसा हो जाएगा। एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे। घूमना फिरना, झगड़ा करना, अलग हो जाना, रिश्ता ही टूट जाएगा। इसलिए नॉर्मल कपल बनकर रहने के बजाय ऐसे ही रहना बेटर है। तुम्हारी सोच गलत हो सकती है ना। किसी के लिए लव करने के लिए एक झलक काफी होती है, और कईयों के लिए एक मुस्कुराहट काफी होती है, और कईयों के लिए सोच काफी होती है। सो, उसकी फीलिंग सच्ची भी तो हो सकती है। इस बार सच बताने की कोशिश करना। हाँ, बैठ जा। पिताजी, पद्मावती आने वाली है। क्यों, मेरे साथ चलना अच्छा नहीं लग रहा है? बैठ जा। तेरा नाम मैंने अपनी माँ के नाम पर रखा है। इस उम्र में जरा संभल के रहना। एक मॉडर्न बाप की तरह तुझे आज़ादी दी, तेरे मन मुताबिक तुझे पढ़ाया। तूने मैक्स काबो मूवीज कहा और तेरे लिए ही मैंने यस कहा। इस आज़ादी का मिसयूज मत करना। ठीक है पिताजी। हाँ, अपनी पसंद से शादी करना, पर बता के करना, भाग के मत करना। यह है ना आर्य समाज, द्रविड़ समाज, महेश्वरी समाज। ओके, ठीक है पिताजी। आई लव यू डैड। अब आपसे बताए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या कर रही हो? शॉर्ट फिल्म बना रही हो? हाँ। मुझे भी एक चांस दे दो ना डायलॉग राइटर का। तू और राइटर? मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मेरे पंचेस के बारे में मालूम है ना। So, तुमने कहा था कुछ सच बताना चाहते हो? अगर सच पता है तो तुम अपसेट हो जाओगी। जस्ट ट्राई। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। कॉलेज स्टूडेंट की तरह? हाँ, अनकंफर्टेबल, जैसे कोई चोर हो। पुलिस वाले आ रहे हैं, जरा संभल के। Hey, जरा यहाँ देख। तुम अपनी चार उंगलियों से साड़ी के चुन्नटे बनाकर जैसे पहनती हो, वो एक बार देखने का मन कर रहा है। यहाँ पे? Hey, सिर्फ एक बार। Hey, इस तरह से नहीं। Hey, लक्ष्मी अंकल आ रहे हैं। Hey, प्लीज 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 यहाँ से चले जाओ, प्लीज जाओ ना। बाय। क्या वो लड़का भी तुझसे सच्चा प्यार करता है? हाँ, हाँ पिताजी। पहले सच्चाई जान ले, वो भी उस लड़के के पास जाकर पहले उससे पूछ के आ जा। अब जा। आई रियली वॉन्ट टू नो। आई बेट यू वॉन्ट गेट द स्ट्रेट आंसर। क्या बात है श्री? तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? किसी से प्यार जताना अगर प्यार कहलाता है तो समझ लो कि ये प्यार ही है। लेकिन जो प्यार तुम बोल रही हो वो एक कमिटमेंट है, वन ऑन वन, एक रिलेशनशिप, रिश्ता। हर रिश्ते के अलग अलग नाम होते हैं। मुझसे प्यार करते हो या नहीं श्री? वो यस और नो। श्री, हमारा ये रिलेशनशिप मे बी इट्स अ बिट टू अर्ली।
मैंने तुमसे तभी कहा था। तुम्हारे पिताजी ने सही कहा, मेरे पास स्ट्रेट आंसर नहीं है ना। एक्चुअली आंसर है ही नहीं। तुम सोचोगी कि मैं प्यार करता हूँ या नहीं? आई डोंट नो। श्री श्री hey. कॉफी गिर जाएगी। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम आनंद। क्या हो गया? I'm not comfortable. I'm really sorry. Hey, अंधा है क्या? देख के गाड़ी नहीं चला सकता? लव करना चाहते नहीं, बस पास में सुलाना चाहते हो। ये तो कॉमन बात है ना मूर्ति जी। आई मीन ये तो कोई पॉइंट नहीं है ना। वही तो है पॉइंट। शी डज नॉट। लड़कियां वैसी नहीं होती हैं, खासकर प्यार को लेकर। बट वी मेन आर डॉग्स। मर्दों की सोच हमेशा कुत्तों की तरह होती है। सच कहा, लेकिन उसके लिए मैं अपनी दुम नहीं हिला सकता। सो तुम्हारे टर्म्स के हिसाब से तुम्हें सेक्स चाहिए? फ्रीडम चाहिए। ये नाम हमने ही रखा है, फ्रीडम चाहिए। हाँ, ये तो हर इंसान को चाहिए। इंसान आजाद रहना चाहता है। यह बात है, स्वार्थियों के बारे में तो सुना था, इंसान बदल जाता है। आखिरकार तुमने सच बताया या नहीं? उसके पीछे पीछे जाकर उसे सॉरी बोलने का मन किया। मैं उसे कहना चाहता था कि वो मुझे समझे। तो कहा क्यों नहीं? फोर्स नहीं करना चाहता था। देखो आनंद, तुम उससे प्यार करते हो या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारी फीलिंग्स देखकर मुझे वैसा ही लगता है। एक डिसफंक्शनल परिवार में पले बड़े, इसलिए हो सकता है तुम लव एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, यानी तुम उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे बीच में जो डिस्टेंस है, उसकी वजह से तुम इमोशनली किसी के नजदीक नहीं जा पा रहे हो। See, what I'm trying to tell you. देखिए मूर्ति जी, किसी की लाइफ को साइकेट्रिक टर्म्स या किसी मेथड से एनालाइज नहीं किया जा सकता। मुझे इस थेरेपी में यकीन नहीं है। तो तुम यहाँ क्यों आते हो? अपना दुख दीवारों से तो नहीं बोल सकता। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी में और क्या चल रहा है? आज क्या हुआ? How do you feel? खाना खाना जब देखो खाना, हमें खा जाओ। मैं और क्या करूं? स्टोर रूम में खुद जाके देख लो। देख लिया, चावल सड़ गए हैं, उनमें कीड़े पड़ गए हैं और उसकी बदबू पूरे कंपाउंड तक आती है। ये बच्चे यहाँ का खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए घर से बचा हुआ खाना लेके आते हैं। दाल के नाम पर भगोने में पानी दिखता है। इन्हें समझ नहीं आता उसे चावल में डालें या पी लें। क्या चाहते हो? ठीक है, मुझे रिपोर्ट लिख कर दो। बच्चों की ऐसी हालत कभी फिल्मों में भी नहीं देखी। फिर उसके बाद एक पिक्चर देखने गया, उसमें कुछ भी नहीं था। आसपास जो लोग बैठे थे वो बस हंस रहे थे। वो देख के मैं घबरा गया। अगर मैंने ऐसी कोई फिल्म बनाई तो मेरी हालत क्या होगी? कमरे में आके सोच रहा था कि फिल्म मुझे समझ में नहीं आई या उस फिल्म में कुछ था ही नहीं। एक्चुअली अगर मैं वहां अकेला होता तो काफी देर तक बैठा ही रहता, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैं अकेला नहीं रह पा रहा हूं। आई मिस माई लोनलीनेस। मैं अपने फोन के नंबर्स देख रहा था, फैमिली, फ्रेंड्स, श्री। श्री मेरा फोन नहीं उठाती है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस बार बार उसी नंबर को मैं देख ही जा रहा था। वाओ, अकेला जीने वाला इंसान मैं आज ही देख रहा हूं। मिस हो जाए तो भी कोई बात नहीं। ये फैमिली, फ्रेंड्स और वो श्री, श्री को जो शामिल करता है ना, वो एक अच्छा शाइन है। पहले इसे खाना परोस। ये क्या, किसी और का गुस्सा प्लेट पर क्यों उतार रही है? ये प्लेट मेरी माँ के दहेज की है। तेरी माँ ने भरे हुए बैंगन की सब्जी बनाई है, खा ले। मुझे बैंगन की सब्जी नहीं चाहिए। क्या बात है, उसे इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? डाल ना। नो। ये सब क्या है, ये क्या हो रहा है, आखिर क्या हुआ है, मुझे कोई बताएगा? यहाँ पर जो हो रहा है, पूजा राजशेखर को प्यार हो गया है। अरे नहीं नहीं, पूजा ने प्यार नहीं किया, राजशेखर ने उससे प्यार कराया और पूजा ने सोचा प्यार करने वाला ही उससे शादी करेगा, लेकिन राजशेखर ने ऐसा नहीं सोचा। जीवन जो प्यार से भरा हुआ था उसमें एकदम से भूचाल आ गया। मैं लव करूंगा, शादी नहीं करूंगा उसने बोल दिया। राजशेखर जो इस शादी का विरोध कर रहा था,
जब पूजा ने कहा कि मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, पूजा की ये बात वो समझेगा? समझेगा क्या? समझेगा? बैगन का मसाला बहुत बढ़िया है, ये भिंडी पक गई है, तेरी एंकरिंग बहुत हो गई है, अब चल बैठ के खा। ये क्या, जवानी की क्रांति? हाँ। साली आधी घरवाली, श्रृंगार मोहिनी, ये सब क्या है यार? यार इसमें फिल्मों की इन्फॉर्मेशन होगी। ए किताबें पढ़ना, साहित्य की। साहित्य की कौन सी किताब? प्रेमचंद, ओम प्रकाश, गुलजार या चंदा मामा की किताब पढ़ ले। ले। फ्रेंड्स? ओह, यू मीन फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स? हे रुको, क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई? प्लीज। ओके ओके, नो बेनिफिट्स, जस्ट फ्रेंड्स। ओके? नो, नॉट ओके। टीचर एंड स्टूडेंट ओके, मेरे फाइनल प्रोजेक्ट के मेंटोर हो इसीलिए ओके। ओके, कोई ना कोई रिलेशनशिप, टीचर एंड स्टूडेंट, फिल्म मेकिंग, सिनेमा, सिनेमा। फ्रेंच लैंग्वेज में इसी तरह की एक फिल्म थी, डियू बुज्जी। मेरे आवेश को माफ कर दो, तुम्हारी खूबसूरती में बह गया था। अब हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए उसके लिए मैंने जो किस दिया था वो मुझे वापस कर दो। मेरे हिसाब से ये समझौता बिल्कुल सही रहेगा, तुम मुझ पर यकीन करो। तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा जरा सा भी इरादा नहीं है। मैंने तुम्हें किस किया उसके लिए मुझे गलत मत समझना, जवानी में इंसान अपना प्यार जताने के लिए किस ही तो करता है। अब अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो मेरा किस मुझे वापस लौटा दो। हे, ये मैंने नहीं कहा, ये उस फ्रेंच फिल्म की कहानी है। अपनी लाइफ में पहली बार किसी लड़की से मैंने रिक्वेस्ट की। गुड, तुमने रिक्वेस्ट क्यों की? आई डोंट नो, उस लड़की के साथ बिताए अच्छे पलों को मैं बहुत मिस कर रहा हूं और उन पलों को वापस मांगना मुझे कुछ गलत नहीं लगा। सो तुम्हें ये लड़की पसंद है, तो फिर वो विश्वा, वो जो मुंबई की लड़की है? यस, वो एक अच्छी फ्रेंड है, बस इतना ही। लेकिन श्री के साथ वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगता है। एक इंसान को दूसरा इंसान क्यों अच्छा लगता है? उसके कई कारण होते हैं। तुम्हारे हिसाब से कौन सा कारण होगा? नहीं जानता, लेकिन जब भी उसके साथ होता हूं। ये तुम बता चुके हो, those moments. Once again, identify yourself. मेरा नाम है आनंद कुमार, एज 28, मैं एक चिल्ड्रंस फिल्म मेकर हूं। हमारा सेशन तो है नहीं। आई नो, इट्स अर्जेंट, इट्स रियली अर्जेंट, प्लीज। हाँ तो हुआ क्या? जमीन फट गई। क्या कहा? वाई चिल्ड्रन, वही क्यों? बच्चों का प्रोजेक्ट किस लिए? वही तो हमारे फ्यूचर है ना। लिसन, आई एम द फाइनेंशियल हेड हियर, मैं सिर्फ फाइनेंस के बारे में ही बात कर सकती हूँ, वो सब छोड़ के इमोशंस के बारे में या देश के बारे में नहीं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंस देन। देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट इट। तुमने जो लास्ट बच्चों का प्रोजेक्ट किया उसमें जो 2 करोड़ लगाए, 60 लाख उसका ब्याज बैठ गया और अभी तक 60 लाख रुपए ब्याज का भी रिकवर नहीं हो पाया। ब्रा, लेट मी शो यू सम रियल नंबर्स। ब्रा, मेरे हिसाब से ये नंबर्स देखो। तुम चाहे कितने ही पेपर्स दिखा दो, मैं बस यही कहूंगा। ब्रा, यू नो व्हाई? क्योंकि हमने एनिमल्स पर फिल्म नहीं बनाई है और मुझे बच्चों को देखकर काफी दुख होता है, वो बहुत मासूम है ना। ओके, इंसानों को छोड़ के हर किसी के ऊपर फिल्म बनाओ। यू नो व्हाट, लेट्स हैव मोर मॉडल्स एंड टू मोर आइटम सॉन्ग्स। श्योर, व्हाई नॉट। 60 लाख से भी ज्यादा बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार बने हुए हैं, वो भी 5 साल से नीचे के बच्चे, और 10 में से 9 बच्चे मर जाते हैं। या वी आर रैंकिंग नंबर 1 इन द वर्ल्ड। यस, वी आर ऑन टॉप। जब वो बच्चे गंदी नाली का पानी पीते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं और दिल रोता है, दम घुटने लगता है। एक तो एनिमल की पड़ी है, एक हिसाब लेकर बैठा है, बाकियों को पैसों की पड़ी है। वी हैव मोर डिग्रीज बट लेस सेंस, मोर नॉलेज बट लेस जजमेंट, मोर एक्सपर्ट्स बट लेस सॉल्यूशंस। ये कंप्यूटर, मिसाइल्स, मशीन्स, इन सब के साथ इंसान गलत रास्ते पे चल रहा है।
बड़ी बड़ी आशाओं के लिए छोटी छोटी वैल्यूज, और इन सब के बीच हम पागल बन के बैठे। You know what? I'm done. Hey, मालती. Here we go. हम आपस में ही झगड़ेंगे तो कैसे चलेगा? हम लोग कौन है? जब हर कोई स्वार्थी बनकर जी रहा है तो हमका मतलब क्या? ब्रा, ऐसी बात नहीं, मेरी बात तो सुनो। तू लेडीज कपड़ों की दुकान में अकाउंटेंट बनकर जिंदगी जी ले। ब्रा, आनंद, गेटअप गेटअप, जल्दी उठो। हे, हाय श्री। यानी तुमने मेरे अलावा बहुत सारों के साथ सेक्स किया है? हे, व्हाई 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 इज एवरीवन, एक ही सवाल, सेक्स का प्यार से और For that matter, friendship का क्या लेने देना? Yes or no? तुम्हारे पास yes और no का ही सवाल रहता है? Question paper हो? Yes or no? Yes. That's it. We are done. Done, done, done for good. मुझ में maturity है या नहीं मैं नहीं जानती हूँ। But I have the right feelings. I have the right emotion. I'm a person with the right emotions. अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मैंने कभी भी तुमसे झूठ बोला क्या? तुम हमेशा सच ही बोलते हो ना? धोखा नहीं देते। लेकिन क्या करूँ? मैं धोखा खाकर पागलों की तरह घूम रही हूँ। ये लो, तुम्हारे एक-एक किस का हिसाब करके, उसके साथ एक और रोज ऐड करके, और उस रोज को डेली खुशी-खुशी देखकर मुस्कुराकर मैं नो I never want to see your face again. कौन से चुंबन से शुरुआत करनी है? कौन सा पल है जिसे याद रखना है? आहा, फर्स्ट शॉर्ट फिल्म। जब तुमने कहा कि शॉर्ट फिल्म अच्छी नहीं है तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद अच्छी नहीं हूँ। क्यों ये पता नहीं, उस दिन आईने में खुद को काफ़ी देर तक देखती रही। खुद को आईने में देखने का शौक मुझे बचपन से है। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि काश वो आईना तुम होते। जब मैं क्लास के लिए निकलती तो मैं बहुत खुश हो जाती थी, और जब तुम क्लास निकालते थे तो मेरा दिल करता था कि कम से कम एक बार तुम्हारे चेहरे को टच करूं। अब जरा सोच कर देखो, पूरे 23 बार तुमने किस करके मुझे टच किया है। एंड दैट फर्स्ट किस, मेरी जिंदगी में, मेरी बॉडी में एक्साइटमेंट। अब मैं कैसे समझाऊं, कौन से चुंबन से शुरुआत करूं, किस लम्हे को मैं याद करूं। यस, बॉडी में एक्साइटमेंट, एक ठंडी सी लहर, कुल मिलाकर अपने पूरे शरीर में आई कैन फील दैट बॉडी एक्साइटमेंट। यहाँ तक कि घर जाने के बाद भी आई कैन फील इट, आई कैन स्मेल दोज मेमोरीज, दोज मोमेंट्स एंड दैट पर्टिकुलर स्मेल। नेक किस यानी
inhabited to you. इसके गूगल में कई मीनिंग्स हैं और वो सब मुझे बहुत अच्छे लगे, हिंदी का मीनिंग भी. शर्माए बिना का जो मतलब होता है वो मुझे तुम्हारे घर आने के बाद समझ आया. हम किसी पर अपना अधिकार कब जमाते हैं? जब उनसे हमें बे इंतहा प्यार होता है. जब तुमने मुझे दीवार पर पुश किया तब वो प्यार मैंने तुम्हारी आंखों में देखा. कौन से चुंबन से शुरुआत करूं और किस लम्हे को याद करूं? 24th के सच्चा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम्हारे हर एक किस में प्यार झलकता था. यही प्यार है ऐसा मानकर उस प्यार को बार बार पाने के लिए सोचती रही. अब कौन से चुंबन से शुरुआत करूं और किस लम्हे को मैं याद करूं? मुझ में भले ही मैच्योरिटी ना हो या कहो कि मैंने प्यार को फील नहीं किया, लेकिन मैंने वो प्यार तुम्हारे अंदर ढूंढा, तुम्हारी नज़रों में ढूंढा, तुम्हारे प्रेजेंस में मैंने ढूंढा, तुम्हारे दिए हर एक किस के अंदर मैंने ढूंढा. बस एक बात जानती हूँ, जो इंसान इस संसार को और बच्चों को इतना चाहता हो वो मुझे यानी श्री लक्ष्मी को बहुत प्यार करेगा, ये मैं समझ चुकी हूँ. तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊँगी, और जब तुम्हें भी लगेगा कि तुम भी मेरे बिना नहीं जी पाओगे तो समझना वही प्यार है. मैं जानती हूँ कि मेरा प्यार एकदम सच्चा है और जो 24वां किस है वो ज़रूर हकीकत बनेगा. मेरे दिल में तुम हो यही सच है. दिल ये मेरा जो था तेरा कहीं खो गया, चाह जिसे पाया उसे पर खो गया. ये जान मेरी है जान तेरी, जाने क्यों फिर ऐसा हो गया. जब मन का होता है सब बातें लगती है मधुरम, सत्यम शिवम सुंदरम, मीठे मीठे तेरे चुंबनम. दिल ये मेरा जो था तेरा कहीं खो सेशन तो है नहीं. आई नो इट्स अर्जेंट, इट्स रियली अर्जेंट, प्लीज. हाँ तो हुआ क्या? फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैन, आई एम इन लव, आई फील इट. दैट्स ग्रेट. अब ये बताओ कि ये कब हुआ और किसके साथ हुआ? आज सुबह सुबह श्री लक्ष्मी मेरे ऑफिस आई. हाँ. और आके 23 किसेस के बारे में कहा और 24 रोज है ऐसा कहा. क्या 23? मुझे तो तुमने 5-10 बताए थे. उसने तो फ्रेंड्स विद नो बेनिफिट्स ऐसा कहा था ना, फिर ये चुम्मा. इन दो हफ्तों में बहुत कुछ हो गया मूर्ति जी. आई वॉन्ट टू टॉक, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ. अब हफ्ते में एक सेशन नहीं, डेली एक सेशन रखते हैं. क्या 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 डेली एक? मुश्किल है लेकिन सोचते हैं. लास्ट टाइम कहाँ पे थे? लास्ट टाइम हम दोनों के दोनों कैजुअली बच्चों की शूटिंग कर रहे थे. ऑलवेज पॉइंटेड एट द नोज, तभी आवाज अच्छी निकलेगी. ऐसे पकड़ना. तूने आज क्या खाया? दाल चावल. दूध नहीं पिया? नहीं पिया. दोपहर में क्या खाया?
खिचड़ी खिचड़ी नहीं, प्याज और रोटी। तुमने कहा था नो बेनिफिट्स? नो बेनिफिट्स, जस्ट किसेस। वो एकदम से आकर मुझे किस करके चली गई। ना समझ में आने वाले पुराणों को भी समझ सकते हैं, लेकिन स्त्रियों को समझ पाना तो वाकई बहुत मुश्किल है, ऐसा बड़े बुजुर्गों ने कहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? रिम झिम रिम झिम बरसे पानी, श्री लक्ष्मी और मेरी है ये प्रेम कहानी। मौसम रोमांटिक हुआ है, ये दुनिया बाहों में भर गए, आजा मेरे सीने से लग जा, श्री लक्ष्मी है रानी, मैं हूँ राजा। उसके होठों से चल के नशा, वो बूंदे जो छूती है तो प्यार का तोहफा, मैंने समझा उसको और चुमा मैंने उन बूंदों को। बुलशिट, ये सब कुछ बुलशिट है। रेन ड्रॉप की किसिंग को उसकी किसिंग कैसे बोल सकते हो? रेन ड्रॉप्स को उसने किस किया और उसी रेन ड्रॉप को मैंने किस किया। इट्स क्लियर कट, इट्स अ परफेक्ट किस। ए नहीं नहीं नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। अंधेरी से निकल कर जुहू की बस में मैं बैठा, उसमें देखा मैंने थोड़े से ही बैठे लोगों को, वो पास ही बैठी थी मेरे खिड़की में और दौड़े जा रही थी बस फुर्ती में, पर तभी लग गया ब्रेक, ओहो लगा मुझको शॉक, झटके से श्री लक्ष्मी के होठों को। ये है किस, ऐसा होना चाहिए किस। उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद उसका नशा मुझको चढ़ गया, यादों में उसकी खोकर मैं तो दुनिया भूल गया, खुली जो आंखें देखा श्री लक्ष्मी का है ढूंढा, तब आके उसने हॉल से उठा के चेहरे को मेरे उसने अपने सीने से छुआ। पागल, तूने उसके वहाँ भी किस कर लिया? ये तो अच्छा हुआ किसी ने सही समय पर आकर तुम्हें रोक दिया। किसी और ने नहीं, किचन में बिल्ली ने आकर कुछ गिरा दिया। एनिमल्स भी लगता है तुम्हारे ही फेवर में है। गॉड मस्ट बी क्रेजी यार। बचपन की मेरी फोटो लेकर मुझे चिढ़ाकर श्री लक्ष्मी ने नाक में मेरे दम कर दिया, तू तो है बच्चा अभी जान नहीं दूंगी। हॉल से होते होते किचन में आ गई वो, मैं बैठा था कंधे पर आ बैठी वो, सामने झुककर मेरे होठों को छुआ। ये बढ़िया ट्विस्ट है, शोल्डर किस मैंने समझा गर्दन पे किया होगा, लेकिन ऊपर चढ़ के किया। उसके बाद कहाँ किया? गोलकोंडा में। क्या कहा? ठीक है बताओ। मैं और वो दोनों मिलकर जा पहुंचे वहां, जहां से धरती दूर है दिखती, देखे आकाश तो आंखें खिलती, आकाश के साए में हमने ले कर चूमन। अरे यार, कोई देख लेगा। आकाश में कोई हो तो हमें देख पाएगा, जमीन पे कोई हो तो हम देख सकते हैं, लेकिन उन्हें हम नजर नहीं आएंगे। ये क्या कह रहे हो? आकाश का चुंबन। आकाश का चुंबन? क्या धरती पर सब खत्म हो गया? ये तुम क्या बोल रहे हो? खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट। 22 नंबर का स्पेशल। छोटी सी एक प्यारी चींटी श्री लक्ष्मी की कमर पे चढ़ गई,
जब काटा उसे उसने लगी वो चटपटाने श्री लक्ष्मी ने चिल्लाया मैं पास उसके आया वीर की तरह उसके कपड़ों में मुंह डाला उसके कमर से चींटी को प्यार से निकाला। क्लाइमेक्स तो बढ़िया है, जहाँ भी गैप देखोगे वहाँ पे तुम घुस जाओगे। ठीक है फिर कहाँ पे क्या बताओ? उसकी ठोटी को चूमा यानी चिन पे किस। अगला सीन नहीं पूछोगे? चलो ठीक है, तुम नहीं पूछोगे फिर भी नेक्स्ट वाला लास्ट है, 23 नंबर का चुंबन। हे बम बम भोले, बच गया रे। प्यारी प्यारी श्री लक्ष्मी, शर्मीली श्री लक्ष्मी, रूप ऐसा उसे का साक्षात श्री लक्ष्मी। हाथों पे लगा के मेहंदी, गलती उसने ये कर दी, कमर से कपड़ा भी निकलना रहा था, उसकी इस समस्या को हल मैंने ही किया। बैठ के नीचे मैंने कपड़े को यूं निकाला, देखा जब गोरे बदन को नाभि को चूम लिया। हाँ, नाभि का वो चुंबन, होठों का वो चुंबन, एक बार फिर से मुझको चुम। चलो पूरे चलो। ओह माय गॉड, क्यों रे ये करने को मेरा ही घर मिला। इस दुनिया में इंसान चाहे कितने ही जन्म क्यों ना ले ले, फिर भी स्त्रियों को वो कभी समझ नहीं पाएंगे। हाँ तो क्या हुआ? जमीन फट गई। क्या कहा? ब्रेकअप। क्लैरिटी थोड़ा साफ साफ बताओगे? वन सिंपल रूल, ब्रेकअप होने के बाद नो फोन कॉल्स। मैं यहाँ, वो जाने कहाँ, वो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। ये तो ऐसे ही बोलती हैं। उसके लिए जाए बिना रहोगे? अच्छा तुम यहाँ क्यों आए? उस लड़की के पास जाना चाहिए ना। मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता, ना उसके पैरों में गिर सकता हूँ। मेरा सिक्स्थ सेंस मुझसे बोल रहा है तू बहुत जल्द उसके पैरों में गिरने वाला है। सी दीज आर रियल हैमलेट्स विथ लिटिल चिल्ड्रन एंड दिस गर्ल, ये लड़की रोजाना, यू नो शी इज अ रियल किड विथ रियल नीड्स, रियल फीलिंग्स। बट आई हैव द राइट फीलिंग्स, आई हैव द राइट इमोशन, आई एम अ पर्सन विद द राइट इमोशंस। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मुझे वो लड़की चाहिए। आई डू, आई रियली डू। डॉक्टर हाउ, प्लीज कुछ बोलो ना डॉक्टर। सिंपल डॉक्टर, डोंट जोक। ये जोक नहीं है, इट्स ऑलवेज सिंपल। ईगो यानी अहंकार, उसकी पुड़िया बनाकर अपनी जेब में रखकर जाके उस लड़की से बात करो, दैट्स ऑल। लड़का तो बदल गया, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। Guys, this is Tango. You guys have to be more intimate. Get closer to her. Look into her eyes. ऐसे मैम? Yeah.
श्री श्री मैंने तुमसे कुछ बातें छुपाई जरूर हैं, लेकिन झूठ नहीं बोला। श्री मुझ में आई हैव रियल फीलिंग्स फॉर यू, आई लव यू, आई एम प्राउड टू से दैट आई लव यू। श्री श्री कल शाम को 4 बजे मैं कॉफी शॉप में तुम्हारा वेट करूंगा। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। तू हमारे बीच क्यों? आनंद वो अभी अभी थोड़ा इससे बाहर निकल रही है। She is disturbed. Please उसे और ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। ये नया ड्रामा क्या है? मैं तेरे मुंह क्यों लग रहा हूँ? कम से कम मेरी बात समझो आनंद, एक बार मेरी बात सुनो फिर चले जाना। श्री मैंने तुम्हें बुलाया तो वो क्यों आई? हम क्यों आए ये नहीं बताया? दरअसल बात जो भी हो मुझे बोलने का मौका तो दो। तुम क्या बताओगे, मैंने तो खुद देखा ना। तब मैं तुम्हें लव करता हूँ ये बात मैं खुद नहीं जानता था। तुम्हारे जाने के बाद मैं समझ पाया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और उस बारे में तुम्हें बताने के लिए मुझे एक मौका तो मिलना चाहिए ना। कुसुम के साथ गोवा जाने से पहले भी फिजिकल टच था, सिर्फ उसी के नहीं कई लड़कियों के साथ था, लेकिन जब से तुमने आई लव यू कहा किसी के साथ भी फिजिकल टच नहीं रहा। शायद वो जो स्टेज था उससे मैं काफी दूर निकल गया हूं, लेकिन उस दिन वैसा कुछ नहीं हुआ जो तुमने देखा। स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है। ये क्या कह रही हो? ये हकीकत है। एक्चुअली जब से मेरे दिल के अंदर ये लव की फीलिंग स्टार्ट हुई मुझे सब कुछ नया सा लग रहा है। यू नो इट्स जस्ट वन ऑन वन, नो रूम फॉर एनीवन एल्स, इट्स जस्ट अस। ओके ग्रेट, बाय। हे प्लीज। अभी भी सॉरी नहीं बोला? हे सॉरी श्री, मेरी बात तो सुनो। आई एम रियली सॉरी। या आई एम रियली सॉरी। एक बार नहीं, रोजाना एक बार बोलना, एक महीने तक बोलते रहना। आई वॉन्ट टू सी 30 days, देन बाकी बाद में सोचूंगी। रोजाना एक मैसेज, एक ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज, ऐसे सारे कम्युनिकेशंस मुझे चाहिए। वन मीटिंग? यस, डेली एक मीटिंग। प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से ब्लाइंड स्पॉट पे कहा था, सो अब मुझे चाहिए कम्प्लीट कम्युनिकेशन, लाइक 30 days ट्रायल पीरियड, 30 days। ओके। Hey, व्हाट्सएप? मैंने कभी उसका इस्तेमाल किया ही नहीं। मेरा फोन तो तुमने देखा है ना, उसमें लाल और ग्रीन बटन के अलावा कुछ नहीं है। मैं स्मार्टफोन यूज करता ही नहीं। तो यूज करो। सॉरी बोलने में तुम्हें 6 महीने लग गए ना। हाँ हाँ ठीक है, तेरी बात समझ गया। उसके बाद क्या हुआ? तेरा बापू चला गया? उधर आ, एक मिनट रुक, एक चिंदी चोर आया है। क्यों भाई, क्या चाहिए तुम्हें? इसे एक बढ़िया सा फोन चाहिए। यहाँ जितने भी फोन है सब बढ़िया ही फोन है। अरे वही जिसमें व्हाट्सएप कैमरा वगैरह सब होता है ना। उसे स्मार्टफोन बोलते हैं। हाँ हाँ वही वही वो चाहिए। हाँ वही वाला। ये है स्मार्टफोन, ये वाला वेरी स्मार्टफोन। तुमने पूछा था ना व्हाट्सएप कैमरे वाला, इसके अंदर फिल्में भी देख सकते हैं। ये 2 खरीदोगे तो 1 फ्री, ये वाले 3 खरीदोगे तो 1 फ्री। कितने चाहिए? एक बहुत है भाई उसके लिए। बॉस ये वाला। ओ वो वाला, कैश या कार्ड से? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओए स्मार्टफोन लिया है, ये कब खरीदा? मुझे बताया ही नहीं, व्हाट्सएप कर रहे हो? प्लीज। ओके सॉरी। Oh,
ऐसे तू सताएगी तो बोल मैं कहाँ जाऊंगा। छोटी छोटी बातों के ये नखरे कहाँ से उठाऊंगा। अरे गुस्सा तेरा ठंडा होने तक तुझे ऐसे देखूंगा। कुछ भी करके तुझे प्यार से अपने मनाऊंगा। गलती हो गई रे बाबा सॉरी, I'm so sorry, sorry, I'm so sorry। तू जितनी भी बार कहेगी मैं कहूंगा तुझको सॉरी सॉरी, I'm so sorry, sorry, I'm so sorry। मेरा प्यार तुम्हारा है, मेरी बात मान ले राजकुमारी। तूने तो कहा था प्यार करती है। हाँ कहा था प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे मन को ठेस पहुँचाई, मुझे माफ कर दो, 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 मुझे माफ इस साले की तो। हे चोरी चोरी मिलने का ये मौका मुझे दे 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 दे। ये इश्क का है दरिया, इस दरिया में तू मुझको डुबा दे। मैं प्यार तुझे इतना करूंगा बाहों में भर के। तू प्यार का है अफसाना, प्यार से नहा ले जी भर के। गलती हो गई रे बाबा सॉरी, I'm so sorry, sorry, I'm so sorry। तू जितनी भी बार कहेगी मैं कहूंगा तुझको सॉरी सॉरी, I'm so sorry, sorry, I'm so sorry। मेरा प्यार तुम्हारा है, मेरी बात मान ले राजकुमारी। मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। इस पुल से नीचे कूद सकते हो। तुमने क्या मुझे साउथ की फिल्मों का हीरो कमल हसन समझा हुआ है? लेकिन मैं स्विमिंग जानता हूँ। मेरा मर्डर करेगी, उस पद्मावती ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। मेरी गणित के हिसाब से तो उस लड़की को तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए था। यानी तुम में जरूर कोई बात है। आई थिंक शी स्टिल लव्स यू। धीरे धीरे प्यार की गाड़ी लौट रही है पटरी पे। ये प्यार अनोखा होगा, अपना देख लेना धरती पे। धीरे धीरे पास आके अपने लबों को चूने दे मुझे। दिल मेरा हर पल याद करता है बस तुझे ही। गलती हो गई रे बाबा सॉरी, I'm so sorry, sorry, I'm so sorry। तू जितनी भी बार कहेगी मैं कहूंगा तुझको सॉरी सॉरी, I'm so sorry, sorry, I'm so sorry। मेरा प्यार तुम्हारा है, मेरी बात मान ले राजकुमारी। मुझे अभी स्टोर रूम में जाना है। ओहो किस लिए? थैंक यू। ये क्या, थोड़ा संभल कर नहीं रह सकते? You have to take care of yourself. Yeah, I know. सच्चाई की लड़ाई में ये सब होना आम बात है। मैं कोई Facebook activist थोड़ा हूँ जो किसी से शेयर करके भूल जाऊँ। ये सब करना जरूरी है क्या? मैडम, ये मॉर्निंग, ये इवनिंग। ओके। अच्छा छोड़ो, ये सब देखकर ही तो मैं हाँ मैं यस यही तो प्रॉब्लम है। I'm still in. I'm still in love. I
घर पर चल के कहोगे? क्या कहना? आई लव यू। ये नहीं, हमारी शादी के बारे में। शादी के बारे में? नेक्स्ट शादी तो है। श्री, मुझे ये शादी वादी में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। क्या मतलब? ऐसा क्यों? इसलिए कि हर दिन न जाने कितने बच्चे मर जाते हैं। ऐसे में एक और बच्चे को धरती पर लाना अच्छी बात नहीं, ये पाप है, इसीलिए कहा। इसका मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम बच्चे हैं, शादी है, या प्रॉब्लम मैं हूँ? कम ऑन श्री। हे, अभी 7 दिन बाकी है ना हमारा 30 डेज ट्रायल पीरियड खत्म होने में। इस बीच बहुत कुछ जानना है। बस बहुत हो गया। शॉट ओके है ना? हाँ ओके। पर कितना जुल्म होता है। एक मैचिंग ब्लाउज लेने के लिए 4 घंटे लग गए, 2-2 FPL मैच खत्म हो गए। तुम्हें यहाँ कितने घंटे हो गए? 5। सिक्सर। ये सब के सब लोगी? इनमें से एक भी अच्छी नहीं है। वो साड़ी दिखाना। ये लीजिए। जरा ये देखो। नो। साड़ियों के सिलेक्शन में लगता है बहुत एक्सपीरियंस है। आज तक मैंने दीदी के अलावा किसी और के लिए साड़ी नहीं खरीदी। वो बहुत अच्छी साड़ी बांधती हैं। तो बताओ, तुम्हारी फैमिली के बारे में और जानना चाहती हो? माँ, दीदी और मेरे दादा हैं। वीर नगर के पास एक छोटा सा गांव है, थोड़ा अंदर की तरफ। तुम्हारी दीदी की शादी हो गई? उनके बच्चे भी हैं? हाँ, शादी हो गई। But he left her. और बच्चे? हाँ, तो बच्चे? कहीं ऐसा तो नहीं वो भी बच्चों को लेकर? Hey, ऐसी बात नहीं है। She is normal. Hey, और मैं भी normal ही हूँ। बिना बच्चों को चाहे मैं उनके लिए इतना काम करूँगा। न जाने कितने अनाथ बच्चे हैं जो आज भी हमारे देश में भूखे पेट सोते हैं। वो बहुत बेचारे हैं। श्री लक्ष्मी आजा, श्री लक्ष्मी आजा, चेहरा दिखला जा। मेरी वाली साड़ी पहन के तू आजा, चेहरा दिखला जा। मन मेरा तरसे मिलने को तुझसे, कहाँ गई तू अब आजा। दिल मेरा सुना सुना घराना, आंखें ये ढूंढे तेरा तराना। श्री लक्ष्मी आजा, श्री लक्ष्मी आजा, चेहरा दिखला जा। तू ही मेरा जख्म
ही मेरा मरहम, बंधन है कैसा हमारा। श्री लक्ष्मी आजा, श्री लक्ष्मी आजा, चेहरा दिखला जा। बच्चे ना हो तो भी कोई बात नहीं, हम साथ में रहेंगे पूरी जिंदगी। श्योर? चल के मेरे पिताजी से बात करो ना। वो मान जाएंगे क्या? पिताजी से बोल दिया है कि मैं उन्हें बताए बिना कभी कुछ नहीं करूंगी, इसलिए कुछ भी करके हमें परमिशन लेनी होगी। ठीक है। ये चेन कहाँ से लाई? कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चेन कॉलेज के पास से ली। जरा अपने हाथ दिखा। हाँ, पैर भी दिखा। ये क्या कर रही हो माँ? अरे सुनिए। क्या हुआ? अरे जरा यहाँ आइए ना। अरे आ रहा हूँ। अंदर आओ। तुम्हारा नाम? आनंद। मेरा नाम आनंद कुमार है सर, एज 28। मैं एक चिल्ड्रंस फिल्म मेकर हूँ। ओह, छोटे बच्चों को लेकर फिल्म बनाते हो? जी हाँ सर। पहले कौन कौन सी फिल्म बनाई? व्हेन कैमरास लीव, फायरफ्लाइज, चिल्ड्रन ऑफ सनसेट। फिल्म अच्छी थी, उसमें कमाई हुई? नहीं कोई खास नहीं, बट इट डजंट मैटर, मैंने वो फिल्म अपने लिए बनाई थी। अभी कहीं पर कोई काम कर रहे हो? जी कहीं नहीं, फुल टाइम फिल्म से। तो खाने पीने का खर्चा वगैरह? वो किसी न किसी प्रोजेक्ट के जरिए, मूवी स्क्रीनिंग्स और बस सब मैनेज हो जाता है। यानी सैलरी के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है? जी हाँ सर। अपने घर कुछ पैसे भेजते हो? नहीं सर। यहाँ पे कहाँ रहते हो? यहाँ से SR नगर में एक अपार्टमेंट है। वहाँ खुद का फ्लैट है? नहीं रेंट का है। मेरी बात सुनो, कॉलेज में तुम्हारी श्री लक्ष्मी से मुलाकात कैसे हुई मैं नहीं जानता, और ना ही मुझे जानना है। फिल्म डायरेक्शन में इसे बहुत इंटरेस्ट है, इसीलिए तुमने इंटरेस्ट लिया होगा। तुम दोनों को एक सच्चाई बताता हूँ, ये हमारा अपना घर है, और इसके अलावा रामनगर में हमारा अपना एक फ्लैट भी है, लोन लेके खरीदा। महीने का घर खर्च और लोन निकाल कर 5-6 हज़ार की सेविंग भी करता हूँ। उन पैसों से इसका क्रिकेट किट और इसके लिए नॉवेल्स, पिक्चर देखना पॉकेट मनी, और कभी कभार वैकेशन जाने की हम प्लानिंग भी कर लेते हैं। और तुम हो के रिलीज होने वाली किसी फिल्म का नाम बता रहे हो? पिताजी। तू चुप रहे, मैं बात कर रहा हूँ ना। फिल्मी लाइफ तकलीफ वाली है, मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिन्होंने फिल्मों के चक्कर में पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम खुद नहीं बोल सकते कि तुम्हारी स्थिर कमाई कितनी है, तो फिर इसको कैसे संभालोगे? मेरी हर महीने थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है, इसलिए आई विल मैनेज। और श्री लक्ष्मी भी तो जॉब कर ही रही है, विल मैनेज, डोंट वरी सर। ओह, यानी शादी के बाद ये नौकरी करे तुम्हें एतराज नहीं, बच्चे वगैरह हुए तो? क्या शादी? नो, शायद आप हमारी बात ठीक से समझे नहीं। ये क्या है बेटी, क्या बोल रहे हैं? मुझे शादी में जरा भी यकीन नहीं है, आई थिंक आप मेरी बात को कुछ गलत समझ बैठे हैं। तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए, बोलना क्या चाहते हो? आपकी परमिशन लेने आए हैं। किस बात की परमिशन, शादी तो करनी नहीं। डैडी लिव इन रिलेशनशिप, वही बिना शादी के साथ में रहते हैं ना। ए उल्लू कहीं के, तू अंदर जा, चल जा। बेटी ये सब क्या है, लिव इन रिलेशनशिप? हमें शादी में बिल्कुल भी यकीन नहीं, और हमें बच्चे वगैरह भी नहीं चाहिए। बच्चे नहीं चाहिए? थोड़ा रुकिए पिताजी। ये क्या बेटी, ये सब क्या है, बच्चों को लेकर फिल्म बनाते हैं और बच्चे नहीं चाहिए, तुम्हारा मतलब क्या है? ये क्या, मेरी फिल्मों का इससे क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है, शादी बच्चे नहीं चाहिए, तुम सच में इससे प्यार करते हो या उसमें भी भरोसा नहीं? मैं आपकी लड़की पर जान छिड़कता हूँ, बस इसीलिए मैं आया। हाँ तो बताओ कारण क्या है, असली कारण क्या है? हमारे इस देश में हर कोई शादी करता है और बच्चों को भी जन्म देते हैं,
मैं शादी और बच्चों के लिए जो मना कर रहा हूँ उसके कई कारण हैं, लेकिन बच्चे चाहिए उसके लिए आपके पास कोई एक कारण है? आई एम सॉरी श्री, आई एम सॉरी आंटी, सॉरी। आनंद रुको, आनंद थोड़ा रुको ना। तुम मुझे बता सकती थी ना? मैंने सोचा कि तुम मान जाओगे। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम जानती हो ना। मुझे तुम और तुम्हारा प्यार बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ। आनंद मुझे जिंदगी में शादी भी करनी है, बच्चे भी जन्ने हैं, अब ऐसे में क्या करूँ तुम खुद बताओ। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए श्री, आई नीड अ ब्रेक। मैं तुम्हारा टाइम और इमोशन बेकार नहीं करना चाहता, हम बाद में मिलेंगे। ये क्या बेटी, इनकम क्या है कुछ पता नहीं, शादी नहीं करनी है, बच्चे भी नहीं चाहिए, क्या देख के उससे प्यार किया? हाँ, एक बात सुनिए पिताजी, कहीं पर रोड पे एक छोटा सा बच्चा अगर रो रहा हो तो जल्दबाजी के अंदर 99 लोग अनदेखा करके निकल जाते हैं, लेकिन 100 लोगों में से केवल एक ही वहां रुककर उस बच्चे की मदद करता है, और वो अकेला आनंद है। उसकी इंसानियत मुझे पसंद है, जिसके अंदर इंसानियत हो मुझे वैसा इंसान चाहिए। हर लड़की की तरह ही शादी और बच्चे मुझे भी अच्छे लगते हैं, और अगर वो ना हो तो भी चलेगा, लेकिन आनंद के बिना मैं एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। क्या हुआ प्रवीण? कुछ भी नहीं, क्यों क्या हुआ? सब लोगों ने एक साथ हड़ताल कर दी। ब्रा, दरअसल वैसे तो कुछ भी नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ओ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी इसीलिए तुम लोगों ने स्ट्राइक की ना? आज तक तुम्हारे हिसाब से तो काम कर रहे थे ना। ऑलराइट, ओके। ओए, व्हाट्सअप? क्या तुम अभी भी रिस्पेक्ट करती हो इस सो कॉल्ड क्रिएशंस के ऊपर? इसीलिए तो बड़े बूढ़ों ने कहा है ना कि बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए, कोई भी मौका मिस नहीं करना चाहिए, इसीलिए तो मैं तुम्हें। हे, प्लीज। क्या हुआ, कोई नई मिल गई है, कहीं उससे लव तो नहीं हो गया? सही कहा, लव है। इसका मतलब अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं टच में रहूंगी, इफ यू नीड यू नो। कुसुम, आई नीड यू, All of you, come on, dude. प्यार, शादी और बच्चे, प्यार करो तो, शादी करना जरूरी है। आज से करेक्ट 15 साल पहले जैकी श्रॉफ की पिक्चर में ऐसा ही एक डायलॉग था, मैंने वो फिल्म देखी थी। मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम बताओ ना। शादी, बच्चे, क्या बस यही जिंदगी है? हाँ, इसके अलावा और कुछ नहीं है? तुम्हारा क्या दिमाग सड़ गया है? उस लड़की को 23 किस किए, उसे गोवा लेकर गए, और जब घर मिलाने के लिए लेके गई तो बच्चे और शादी के लिए मना करते हो? तुम्हारा दिमाग खिसक गया? तुम जैसो के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं चलेगा, हर पेशेंट की तरह तुम्हें भी बिजली का झटका देना होगा। मैं तुम्हारा पेशेंट नहीं हूँ। तो फिर कौन है?
मैं एक फ्रेंड की हैसियत से आया। hey, तुम्हारी मेरी काय की फ्रेंडशिप? तुम मेरे छोटे भाई सुभाष के फ्रेंड हो? वो भी बहुत बड़ा साइको है तुम्हारी तरह। ये एक बहुत अच्छी लड़की के साथ उसकी शादी हुई और उसे छोड़कर वो साला यूएस भाग गया। लगता है तुम युवाओं का दिमाग पूरी तरह सड़ गया है। राजा हो या रंग सभी को जाना है उस पार। प्यार किया तो डरना क्या ये दुनिया की दरकार। दिल जो चाहे बिना सुरताल के कौन गा रहा है बेकार। हाँ। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा चढ़ गया। मुझे कोई ज्यादा नहीं चढ़ा। दर्द हो रहा है तेरा पागल पर उतरा के नहीं तेरी एक एक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। तेरा दूध उतार के नहीं रहूंगा। तेरी घड़ी में कांटे ही नहीं। अभी दिखाता हूँ कांटे। कांटे का आगे कांटे का आगे। आज की शाम है ये, जाम की शाम है ये, खुशियों की शाम है ये। पिज़्ज़ा खाने की हालत। तुझे तो अभी सिखाता हूँ कैसे कसल खाते हैं। क्या हो रहा है क्या हो रहा है? ये झगड़ा क्यों हो रहा है? इसे बाहर समझा है या कोई जंग का खड़ा? तू है कौन? मैं कौन हूँ? मैं इस एरिया का दादा हूँ, इस बार का ओनर। अबे तेरी तो ऐसे की तेजी। लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ए, तुम लोगों ने मेरी दाढ़ी को छुआ? आजा, अब अगर एक कदम भी बढ़ाया ना तो ये चाकू यहाँ नहीं, तुम लोगों के ऐसे जगह घुसेड़ूंगा ना कि याद रखोगे। क्यों रे, तुम लोग मुझे मेंटल डॉक्टर समझते हो? मेरे से बड़ा मेंटल इस दुनिया में कोई नहीं। मुंबई में सब लोग मुझे चाकू दादा के नाम से जानते। मैं हूँ चाकू दादा। अपनी जिंदगी में अब मैं कभी नहीं पीऊंगा। दिस इज द लास्ट टाइम। ज्यादा से ज्यादा 50,000 का जुर्माना लगाएंगे। श्योर। ये 33वीं बार है और तू साइकेट्रिस्ट नहीं है, तू सेडिस्ट है। अगर किसी के बाल झड़ जाएं तो वो विक पहनता है, ये नकली दाढ़ी किस लिए? साइको। कम से कम अब तो सच बता, उस लड़की का मैटर क्या हुआ? तू बच्चों के लिए मना क्यों कर रहा है? अरे छोड़ना यार। वही तो, क्यों छोड़ना है? इसलिए कि क्योंकि मैं एक बच्चा खो चुका हूँ। मैंने एक बच्चे की बलि चढ़ा दी मूर्ति। आनंद, तुम्हारा बच्चा? मेरी दीदी का लड़का चिन्नी। ए, जो भी बात है साफ साफ बता ना यार। चिन्नी, स्कूल कैसा लगा? स्कूल ठीक ठाक ही लगा। अच्छा लगा या नहीं लगा, सही बताना। अच्छा लगा। चलो अच्छी बात। दीदी, इस लड़के को कहीं देखा है? इस बच्चे को कहीं देखा है? तेरी हिम्मत कैसे? ए, गलती तेरी नहीं है, गलती तेरे बाप की है। नहीं देखा? कल जब तेरा बाप आएगा ना तो अपने बाप के साथ चली जाना। थोड़ा जल्दी देखिए ना, ये सारे के सारे मिसिंग केसेस हैं। पहले हम ये निपटाएंगे या तुम्हारे केस में लग जाएंगे? क्यों बे, तू अपने आप को बहुत शाना समझता है? अरे मेरे को बाप में जाके शराब पीने झगड़ा करने का बहुत शौक है। मैं मर जाऊंगा। छुटकी, इस बच्चे को तुमने कहीं देखा है? इनको वहाँ पे देखा था ना? हाँ वहाँ देखा था। तुमने इस बच्चे को कहाँ देखा? कहाँ है वो? ब्रिज पे।
पक्का वही है, वो वहीं पे मिलेगा। हाँ, हाँ। ए, मेरे को भी पत्ते डालना। चिनी, चिनी, चिनी। हे, ये सब क्या है? एक पानी लेना और थोड़ा सा। तुझे भूख लग रही है ना? तूने कुछ खाया कि नहीं? ए छोटू, तू उससे बात मत कर, वो तुझे ले जाएगा। मैं तेरा मामा, मैं तुझे यहाँ से लेने आया हूँ। तू कुछ खाएगा? बिरयानी। ठीक है बिरयानी खाएगा। ठीक है, क्या उन बच्चों को भी बुला ले। ए छोटू जल्दी चल, दादर एक्सप्रेस आ रही है, जल्दी आ जा। ए तू भी बिरयानी खाएगा या मेरे हाथ से मार खाएगा? ए छोटू देख वो मुझे कैसे धमका रहा है, जल्दी भाग भाग जल्दी। चिनी, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है। हे, मैं तेरा मामा हूँ चिनी। ए छोटू उसकी बात मत मान, जल्दी आ। ए छोटू। ये बात तुम्हारी दीदी जानती है? नहीं जानती, मैंने उन्हें नहीं बताया, और इसीलिए रोजाना घर के बाहर दीवार के पास चिनी का इंतजार करती है। ये वाकई दुख की बात है, लेकिन इस वजह से तुम बच्चों के लिए कैसे मना कर सकते हो? बच्चे पैदा करके उनकी अच्छी परवरिश करके तुम समाज को दिखा सकते हो ना? वैसे भी बच्चे तुम्हें पसंद है ना? एक अच्छा बाप बनने की योग्यता तुम में है। नहीं यार मूर्ति, अगर हमारी शादी हुई तो उसके बाद हमारा झगड़ा होगा, बच्चों की ठीक से देखभाल नहीं होगी, फिर हमारा डिवोर्स हो जाएगा, बच्चे अलग हम अलग हो जाएंगे। ये लफड़ा नहीं चाहिए। तुम्हारी बात में भी दम है, लेकिन तुम उस लड़की पर जान छिड़कते हो, इसलिए उससे शादी करना नॉट ए बैड आइडिया। नहीं मूर्ति, मुझे उस बारे में ठीक से सोचना होगा। एंड दिस वर्ल्ड डजंट डिजर्व चिल्ड्रन, ये संसार उसके लायक नहीं है। ओके, वन मोर टाइम, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। माय नेम इज आनंद कुमार, मुझे फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं, और फिल्मों से भी ज्यादा जिंदगी अच्छी लगती है, और जिंदगी से ज्यादा मुझे श्री लक्ष्मी अच्छी लगती है। सर बहुत बढ़िया है। वो मेरी दाढ़ी। आप क्या काम करते हैं? डॉक्टर हूँ, साइकियाट्रिस्ट। इसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। क्या वो ऐसे क्यों देख रहा है? इसमें से कांटे कहाँ चले गए? अरे तू कोई डॉक्टर है या ड्रामा आर्टिस्ट? ए, उसके सामने हंस मत। ये लोग बहुत अजीब से लग रहे हैं। लेके जाओ इन्हें। ए आनंद, चल मैं ड्रॉप कर देता हूँ। मूर्ति ये ले। तुम लोग जाओ। जिस उम्र में बच्ची गुड़िया से खेलती है, आज के जमाने में वो बच्ची एक माँ बन के रह जाती है। यही किस्मत है, माँ के लिए ये वरदान है, और मुझ जैसे बाप भी ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। जैसे सब अपनी मन की बात बताती हैं, काश उसने भी बता दिया होता। आज की लड़कियों की तरह कोई पछतावा या इंसानियत क्या तुम्हारे अंदर है? पहले तुम्हारी बात सुन के मैं बहुत इरिटेट हुआ, लेकिन अब मुझे तुम पे गर्व हो रहा है। और अपनी बेटी के ऊपर भी। दिल ये मेरा जो था तेरा कहीं खो गया, जिसे पाया उसे पर खो गया।
जान मेरी है जान तेरी, जाने क्यों फिर ऐसा हो गया। जब मन का होता है उदयन, सब बातें लगती है मधुरम, सत्यम शिवम सुंदरम, मीठे मीठे तेरे चुंबनम। ये मेरा जो था तेरा कहीं खो गया, चाह जिसे पाया उसे पर खो गया। मुझे तो कम से कम 3 बच्चे चाहिए। हे, मैंने तुमसे पहले ही बताया ना, इस धरती पर बच्चे को लाना पाप कहलाएगा। ओह माय गॉड, तुम दूसरों से इतना अलग क्यों हो? अरे 3 क्या, 30 बच्चों के लिए भी मुझे ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन कहीं से गोद ले लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। क्या अडॉप्शन? उस दिन हम दोनों कैटरीना का ख्वाब देख रहे थे ना? बाप रे, ऐसी बात नहीं है, तू हमेशा यही सोचता रहेगा। उस वक्त टीवी पे किसी सोप का ऐड आ रहा था, उसे देख के जब बोर हुआ तो श्री लक्ष्मी से जाकर कहा। फिर क्या हुआ? ये कुछ कंपटीशन किस लिए? जो कुछ उसे कहना है वो कह देना चाहिए। अरे वही पे तो बात है, उसने बता दिया तो मुझे उसका चुंबन लेने का मौका कहाँ से मिलेगा। मूर्ति फिर क्या किया? उसे किस किया? कहाँ पे किया? कॉलर बोन पर।
ए, वेट वेट वेट, नीचे उतरो। ए, रोको रोको, गाड़ी रोको। श्री, चल तू पीछे बैठ, एंड यू ड्राइव। ये बढ़िया आइडिया रहा। ए, ए, ए। लेकिन रोड पर, छत पर, बस में ये सब क्या है? मैं जानती हूँ इसे एस्किमो किस कहते हैं।